इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क की नजरें कल यानी यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में किसानों की जानिब से परेड में शामिल होने का ऐलान और उस पर कायम रहना, पहले अदालत की आड़ में ट्रैक्टर रैली पर पाबंदी लगाने की कोशिश मोदी हुकूमत की जानिब से किए जाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। 26 जनवरी को किसान यौम जमहूरिया के परेड में शामिल होने जा रहे, आखिर अदालत ने फैसले को दिल्ली पुलिस के अख्तियार में दिया तो दिल्ली पुलिस ने इसे इजाजत भी दे दी। किस रास्ते से होकर ट्रैक्टर रैली और यौम जमहूरिया का परेड रहेगा, इस पर सवाल या निशान आज भी बाकी है। क्या मरकजी हुकूमत की जानिब से ट्रैक्टर के साथ परेड में शामिल होने पर इजाजत दी गई क्या, इस सवाल पर किसानों ने कहा कि जब आन का सवाल बन जाए तो किसी इजाजत की जरूरत नहीं रहती, यानी किसान किसी हाल में आर पार के लड़ाई के लिए तैयार है। क्या वाकई कल की ट्रैक्टर रैली पूरा अमन रहेगी या किसी तरह के तशद्दुद में तब्दील होगी, ये भी बात उतनी ही सच है कि अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो मोदी हुकूमत ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। किसान बार बार कह रहे हैं कि इस बिल को मंजूर करना गोया किसानों के मौत के परवानों को मंजूर करने के बराबर है, और आखिर इस मामले को कहीं तो रोकना होगा कि मोदी हुकूमत हर बिल को, हर फैसले को मनमानी तौर पर मंजूर कर देती है। एक तरह से हुकुमशाही पर ही अमल किया जा रहा है। अगर किसानों को पूछे बगैर किसानों की जिंदगी के फैसले आखिर किस बुनियाद पर लिए जाते हैं, अगर कल कुछ अनहोनी होता है या फिर इसके बाद पूरे मुल्क में दिल्ली की तरह हालात बनते हैं तो मरकजी मोदी सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। कल ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी ताकि दिल्ली के किसानों की हिमायत कर सके। इसका मतलब किसान मुखालिफ बिल की कहानी अब शुरू हुई है। अगर जल्दी इस बिल को रद्द ना किया गया तो किसान बिल कहीं मोदी शाह हुकूमत की जनाजे के आखिरी किल ना ठहरे। लिहाजा इसी के मद्देनजर बेलगाम शहर में भी किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान साबिक रैत संघ के सदर बाबा गौड़ा पाटिल ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और दिगर रियासतों ने न सिर्फ दिल्ली और उत्तर भारत के किसानों के लिए एहतजाज किया है बल्कि देश के किसानों के लिए इस काल में कानून की मुखालफत की है, और जितने भी किसानों की मौत हुई है जाया नहीं जाएगी। बेलगाम शहर में मुख्तलिफ तालुका देहातों से किसान शरीक होंगे। तकरीबन 300 से भी जायद ट्रैक्टर और 5000 से भी जायद किसान यहां शरीक होंगे। गांधीनगर से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होगी और डीसी दफ्तर तक पहुंचेगी, और सरदार ग्राउंड में इजलास होगा जिसमें दिल्ली के किसानों की हिमायत और मोदी हुकूमत की मुखालफत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के किसान तनहा न समझे, कर्नाटक के किसान भी इनके साथ है। हर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं ताकि यौम जमहूरिया के ट्रैक्टर परेड में शरीक हो सके, पर जो वहां नहीं जा सकते उनके लिए बेलगाम और अतराफ के किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान मुखालिफ बिल की मुखालफत करेंगे। कल रिपब्लिक डे के मौके पर पूरे देश में तिरंगा परचम लहराया जाता है, पर इस साल का यौम जमहूरिया बहुत अहम इसलिए हुआ है क्योंकि मुल्क के तकरीबन शहरों में 26 जनवरी के पुलिस की जानिब से परेड किया जाता है। यह पहली मर्तबा होगा अगर किसान हर शहर में ट्रैक्टर रैली करके एहतजाज की हिमायत करेंगे, और ये तारीखी परेड होगा। अब यह देखना होगा कि बेलगाम में ट्रैक्टर रैली कितनी कामयाब होती है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। यकीनन मौत एक सच्चाई है, इसलिए शायर बशीर बद्र ने कहा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई किसी शहर से किसी और मकसद के लिए जाता है, पर जिंदगी का सफर बीच रास्ते में ही खत्म हो जाता है। कई सारा ख्वाब दिल में लिए दुल्हा दुल्हन किसी दर्शन के लिए जाते हैं, मंजिल और रास्ते वहीं पर रहते हैं, पर मुसाफिर का सफर खत्म हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में हादसों की खबरें सुनने में मिल रही, बेलगाम भाग्यनगर की पवार फैमिली के साथ अचानक इतना सब कुछ होना बहुत कुछ बयान करता है। कुछ लम्हों का हादसा, बहू बेटा माँ सब कुछ खत्म हो गया। इसमें एक और पुलिस महकमा से लक्ष्मी नलौड़े, जो फरवरी में रिटायर्ड होने वाली थी पर उससे पहले ही जिंदगी की रस्सी टूट गई, इसलिए इसे हादसा कहा जाता है। कई मासूम बच्चे पानी में डूब कर मौत के हवाले हुए, उन वालिदैन पर क्या गुजरी होगी जिनकी जिंदगी के फूल खिलने से पहले ही मुरझा दिए गए। कुछ ही दिन पहले सहेलियां बरसों बाद एक जगह पर मिली, अपनी जिंदगी की दास्तान को एक दूसरे के सामने बयान करना चाहते थे,
पर दावणगिरी से गोवा की तरफ निकल पड़े धारवाड़ के नजदीक। हादसे ने जिंदगी के मायने ही बदल दिए। जिस जिंदगी को जीने के लिए इंसान सुबह शाम जद्दोजहद करता रहता है, क्या मालूम कि तुम्हारी सांसों का हिसाब मुकम्मल हो चुका है। अगर सही कहा जाए तो हादसे होते ही इसलिए कि इंसान इसी इबरत हासिल करे। कब्रिस्तान जाने का हुक्म भी इसीलिए दिया गया कि तुम मौत को याद रखो। लिहाजा आज के तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान, इंसानियत, मोहब्बत, जज्बात, इन सभी के साथ गुजरना होता है। अक्सर पैसों की हिर्स इंसान को तमाम रिश्ते मकसद से गाफिल कर देती है। हर आने वाला दौर पहले से बुरा होगा। इंसान तरक्की जरूर करेगा पर सुकून इत्मीनान से महरूम रह जाएगा। तभी हमें हादसात अपनी हैसियत याद दिलाते हैं। यहाँ सिर्फ हादसों में कुछ फर्द मर जाते हैं, पर अल्लाह की जानिब से यह पैगाम होता है कि कहीं तो रुक जाओ। सही गलत की तमीज किए बगैर तुम पैसों के पीछे पड़े हो। देखो, इंसान की जिंदगी की रस्सी कहीं पर भी कट सकती है। महज 60-70 साल की जिंदगी में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आओ। रिश्तेदारों का, गरीब यतीम मिस्कीन बेवाओं का हक अदा करो। तकबुरी ना करो। तुम मजे कर रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, पर तुम्हारा कफन बाजार में आ चुका है और तुम बेखबर हो। नफरत के बाजार सजाने वालों को मौत पैगाम देती है कि हमेशा मोहब्बतें कायम रहती है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं। खास ऐलान यह है कि आप सभी को यौम जमहूरिया की पुरखलुस मुबारकबाद। आप किसी मोहल्ले या इदारे की जानिब से या स्कूलों में यौम जमहूरिया मना रहे हैं तो तस्वीरें या वीडियो इत्तेहाद न्यूज़ को भेजें, इंशाअल्लाह ज़रूर शाया करेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ का नंबर है 7998800777। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आप वीडियो या तस्वीरें भेज सकते हैं, आपकी खबरों को शाया किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।